ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चैप्टर सेकंड, काफी लेंथी चैप्टर था हमारे बायोलॉजी का, उसका हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि हमारा जेनेटिक्स जो है, उसके रिवीजन की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट हो जाइए अपने अपने डाउट्स पूछना। हाँ जी, पहला डाउट। अर्षद का कमेंट आया है। सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है। इसके कई रीजंस थे। पहला रीजन कि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट था। एनुअल का मतलब जो 12 महीने, एक एक साल के 12 महीने में ग्रो करता था, तो आप जब चाहें तब उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक साल में उसकी बहुत सारी जनरेशंस जो हैं ग्रो कर सकते हैं, 3 से 4 जनरेशन ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट आपको कम टाइम में मिल जाएगा। एक कारण ये था कि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट है, मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों के दोनों पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में। तो आप चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करवाना तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना तो वो भी पॉसिबल है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम लोग करवा सकते हैं, उसके लिए इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस है जो करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो पोलन ग्रेन्स और स्टेमन है उन्हें रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन अब नहीं हो पाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। और एक कारण ये था कि जो पी प्लांट है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स देखे गए, क्लियर कट करेक्टर देखे गए, जैसे कि हाइट या तो एकदम छोटी या एकदम बड़ी। ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता ना, कोई बहुत कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा सा छोटा, छोटा बोना, ऐसे करके वैरायटी पाई जाती है, पर वहां ऐसा नहीं था। वहां कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो थे वो क्लियर कट ट्रेड्स थे। ठीक है, अगला डाउट बोलिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडलिज्म के अंदर तीन लॉज जो हैं वो दिए गए हैं, जिनमें किशन को सीधा डाउट आया है थर्ड लॉ पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे परफॉर्म करने के लिए मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी हेल्प ली। ये लॉ कहता है कि अगर दो करेक्टर्स किसी इंडिविजुअल में, एटलीस्ट टू करेक्टर्स एटलीस्ट हैं, तो उन दोनों करेक्टर्स के जीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, एक दूसरे से इनडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंडिविजुअल है, उसका स्किन टोन जो है वो डार्क है, सांवला है, और उसकी हाइट जो है वो लंबी है, तो इन फ्यूचर उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, मान लो ऑफस्प्रिंग डार्क टोन के साथ में पैदा होता है, तो क्या कंपलसरी है, जरूरी है कि उसकी हाइट भी लंबी ही होगी? ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हाइट छोटी रह जाए। तो इसका मतलब हाइट और कलर जो थे, स्किन टोन का जो कलर था, ये दोनों करेक्टर्स के जो एलील्स, जो जीन्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जब चाहे तब किसी के साथ भी वो जुड़ करके नया कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। एलील और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है सोनू ने, तो एक जीन जो होता है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम एलीलोमॉर्फ या सिर्फ एलील्स भी कहते हैं। ये जीन के जो दो एलील्स, जो दो फॉर्म होती हैं, ये ही डिसाइड करती हैं
कि किसी इंडिविजुअल में कौन सा करेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा करेक्टर रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट के लिए एक जीन है तो उसकी दो एलील्स, दो फॉर्म हो सकती है, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, या कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब कि दो अलग अलग एलील्स आपके पास हो सकते हैं, या तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर दो एक जैसे एलील हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में परफॉर्म किया जाता है बाय कंसिडरिंग ओनली वन करेक्टर, सिर्फ एक करेक्टर को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि आपके सामने जो बोर्ड पर है वो मैंने सिर्फ हाइट को लेकर के परफॉर्म किया है ना। पर एक और डायहाइब्रिड क्रॉस आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने दो करेक्टर्स लिए हैं, एक तो शेप लिया है मैंने राउंड और रिंकल्ड, और एक कलर लिया है मैंने येलो एंड ग्रीन, वो डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाता है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, वंशिका ने पूछा, बेटा वंशिका पूरा चैप्टर ही पूछ लेते, कह दी से पूरा चैप्टर करवा दो, एक एक लाइन करवा दो। बेटा टर्मिनोलॉजी दुनिया भर की है। तुम्हें कौन सी टर्म जो है समझनी है। 11th पॉइंट, अब 11th पॉइंट कौन सा, मैंने क्या करवाया, क्या लिखवाया है मुझे याद नहीं, उसका कोई नाम होगा, नाम कमेंट करो उसका। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, जब तक मैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट को समझा रहा हूं, बैक क्रॉस का मतलब है F1 कि आप जनरेशन तैयार कर देते हो। अब ये जो F1 जनरेशन है इसका क्रॉस रिप्रोडक्शन आपको पेरेंट से करवाना है। अब पेरेंट भी अगर आप लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर आप देखो तो मैंने दो टाइप के लिए हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव। तो आप इन दोनों में से किसी एक के भी साथ करवा दो, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, या तो कैपिटल टी के साथ करवाओ या स्मॉल टी के साथ, उसे आप बैक क्रॉस कहते हैं। पर पर्टिकुलरली अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाते हो, मतलब सिर्फ स्मॉल टी के साथ, किसका क्रॉस, F1 जनरेशन का, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, तब इस टाइप के क्रॉस को नाम दिया गया है टेस्ट क्रॉस। गौरव का कहना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक ऑफस्प्रिंग एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों के एलील्स जो हैं ट्रांसफर होते हैं। इन दोनों एलील्स में से कोई एक ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो दिखा पाएगा। जैसे कि मेल है उसकी आईज ब्लैक है, फीमेल की आईज ब्राउन है, और जो बेबी हुआ उसकी आईज ब्लैक ही निकली। तो इसका मतलब कि भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर से ब्राउन आईज का करेक्टर गया नहीं, करेक्टर तो गया, पर जो डोमिनेंट है, जो अपने आप को दिखा पाया, वो सिर्फ ब्लैक आईज वाला करेक्टर था। तो यहाँ ब्लैक आई वाला जो एलील या जो करेक्टर है या जो जीन है, वो ब्राउन आई के जीन के ऊपर डोमिनेंट हो गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वंशिका फिर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पूछ रहे हो आप, भाई एक ऐसा क्रॉस जो कि तीन करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाए। मोनोहाइब्रिड में अगर एक करेक्टर ध्यान में रख के क्रॉस हो रहा है, डायहाइब्रिड में दो को ध्यान में रख के हो रहा है, तो ट्राइहाइब्रिड में तीन को ध्यान में रखते हुए होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। अगला डाउट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप उस रेशियो को कहा जाता है जो कि डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स का आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनली देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि बाहर से दिखने में कोई कैसा है। जैसे कैपिटल टी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, तो दोनों ही टॉल हुए ना दिखने में, तो
तो ये तो फिनोटाइप की कैटेगरी में आ गया। जीनोटाइप के अंदर हम लोग ये देखते हैं, ये बताते हैं कि कोई इंडिविजुअल एक्चुअली जेनेटिकली, जेनेटिक्स के तौर पर, मतलब अपने गैमेट्स, अपने एलील्स, अपने जीन्स, इनके बेसिस पर किस टाइप का है, तब हम लोग उसको नाम देते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जैसे अगर आप यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका 3:2 बनाएगा, 3 तो टॉल और 1 आपका आएगा ड्वार्फ। तो अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालें तो इसका 1:2:2:1, दो तो एक तो होगा आपका कैपिटल टी कैपिटल टी, दो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ जी, नेक्स्ट, अगला डाउट। यूजेनिक्स, जेनेटिक्स की ये वो ब्रांच है जो कि इवोल्यूशन और जीन्स के बारे में स्टडी हम लोग इसके अंदर करते हैं कि हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है, हमारे जो जीन्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन कितने समय पहले आया होगा, हमारे जीन्स जो हैं वो कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन से मैच खाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हिस्ट्री होती है, पूरी हिस्ट्री इवोल्यूशन की, उसकी स्टडी को यूजेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला डाउट बोलो। क्या हुआ, कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। हर्षित कुछ कमेंट कर रहे हो बेटा, डाउट है जल्दी करो। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो लॉज हैं मेंडल के, ये कहाँ कहाँ क्या कैसे काम आते हैं, इनकी क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। पहला पॉइंट तो ये कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लीथल जीन्स, लीथल का मतलब होता है जानलेवा, ऐसे जीन्स जो कि किसी इंडिविजुअल में एक जेनेटिक डिसऑर्डर, बीमारियां ला सकते हैं। और ये जीन्स जनरली बच्चों रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो इन लॉज की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाली है उसके अंदर लीथल जीन, मतलब कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हर करेक्टर के लिए अलग-अलग जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा मेंडलिज्म ने जो जेनेटिक्स का टॉपिक दिया है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर किसी करेक्टर, किसी इंडिविजुअल में कोई एकदम नया डिफरेंट करेक्टर दिखाई दे रहा है तो वो इवोल्यूशन किसकी वजह से रहा होगा और कैसे हुआ होगा। एक स्टेप, एक स्टेज आती है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ
मियोसिस, ये मियोसिस माइटोसिस आपने 9th में पढ़े हैं, ये सेल साइकिल के दौरान जब सेल डिवाइड करता है तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। जीन्स की, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ कैरेक्टर्स एक्सचेंज हो जाते हैं जीन्स के बीच में, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर्स, या एक तरीके से कह सकते हैं नया जीन जो है वो क्रिएट होता है। यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो उसके अपने करेक्टर्स अपने पेरेंट्स से मैच तो खाएंगे पर एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी जो है वो नहीं होगी। गौरव सिंह ने पूछा है फिनोटाइपिक, बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों को एक्सप्लेन किया था। फिनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है जो कि डिफरेंट ऑफस्प्रिंग का दिया जाता है उनके फिजिकल अपियरेंस के बेसिस पर, कि फिजिकली बाहरी तौर पर दिखने में कोई कैसा है, इसके बेसिस पर जब आप उनको कैटेगराइज करते हो और उनका रेशियो निकालते हो तो उसी रेशियो को फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा है जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी हम लोग बोलते हैं। ये लॉ कहता है कि जब पेरेंट्स क्रॉसिंग के दौरान रिप्रोडक्शन करते हैं तब उनके गैमेट्स तैयार होते हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स तैयार होते हैं और ये जो गैमेट्स हैं इन गैमेट्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एलील ट्रांसफर होता है, जैसे कि कैपिटल टी तो आपका पेरेंट है पर इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स के अंदर दोनों कैपिटल टी ना जाकर के सिर्फ एक ही कैपिटल टी जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग में या एक ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें कांस्टेंट रखने होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर सोचो ये 46 क्रोमोसोम मेल से मदर फादर से और फीमेल से भी 46 आते मदर से आते तो टोटल ये 92 हो जाते ऑफस्प्रिंग में। 92 का मतलब गड़बड़ हो जाती, जैसा जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वैसा नहीं होता। तो इस वजह से 46 रखना जरूरी है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया जो बताता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो ये जो नंबर है हाफ हो जाता है। तो अगर दो एलील्स हैं तो दोनों में से बस एक ही एलील जो है वो एक गैमेट के अंदर जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब उल्टा पुल्टा। मान लो आप जो पहला क्रॉस परफॉर्म करते हैं उसमें मेल प्लांट है कैपिटल टी और फीमेल प्लांट है स्मॉल टी। अब जब आप दोबारा से क्रॉस परफॉर्म करें तो इसको उल्टा कर दो, मतलब मेल जो पहले तो कैपिटल टी था अब उसको स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, जो फीमेल पहले स्मॉल टी थी अब आप उसको कर दीजिए कैपिटल टी। तो इस टाइप के क्रॉस में आपने रेसिप्रोकल कर दिया मेल और फीमेल को जेनेटिकली, इस टाइप के क्रॉस को आप रेसिप्रोकल क्रॉस नाम देते हैं। नेक्स्ट, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। अगर एक इंडिविजुअल में किसी करेक्टर के दोनों एलील्स सेम है, तब उस कंडीशन को आप होमोजाइगस बोलते हो। जैसे कि मान लो हाइट है तो हाइट के लिए पहला केस मैंने लिया इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल टी है तो दोनों एलील यहाँ कैपिटल टी है, इसको आप कहोगे होमोजाइगस। ऐसे ही स्मॉल टी भी होमोजाइगस कहलाएगा। बस अंतर इतना है कि कैपिटल टी डोमिनेंट होमोजाइगस है जबकि स्मॉल टी रिसेसिव होमोजाइगस है। पर आप देख रहे हैं इनसे जो F1 जनरेशन तैयार हो रही है उसमें इंडिविजुअल सारे के सारे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एलील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तो इस कंडीशन को नाम दिया गया। क्या है हेटेरोजाइगस। अरे गौरव सिंह बेटा, अभी बताया ना फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब है कि कितने इंडिविजुअल्स में से कितने ऐसे हैं
दिखने में हुबहू एक जैसे हैं, फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक का मतलब जो जेनेटिकली हुबहू कितने सेम है, ये जीनोटाइपिक का मतलब है। ये चौथी बार मैं बता रहा हूं इसको। नेक्स्ट, अगला डाउट। किशन को तो कोई डाउट नहीं है, बाकियों में से और किसी को तो पूछो। कोई डाउट नहीं तो फिर चलो कुछ क्वेश्चंस करो। ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन दे दूं? ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन दे दूं क्या, जिसमें आई ए आई बी वाला कॉन्सेप्ट लगा करके ब्लड ग्रुप बताना है? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ अ मेल हैविंग इफ अ मेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, मेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी गेट मैरिड विद अ फीमेल, गेट मैरिड विद अ फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, इन दोनों की शादी हो जाती है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फीनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ एफ वन जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो है उसमें आपको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। मेल का ब्लड ग्रुप ए बी बताया मैंने। ओके, आयुष का कमेंट आ गया है। आयुष जी, तुमने परसेंटेज बताया है, मैंने रेशियो पूछा है। रेशियो कमेंट करो। रेशियो क्या आएगा? वन इज टू वन, वन इज टू वन नहीं लिखना है रेशियो, ध्यान रखना 2:2 लिखा जाएगा। 1:2 का मतलब, 1:1 का मतलब है कि सिर्फ दो ही ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि यहां पर चार ऑफस्प्रिंग बन रही होंगी, जिनमें से दो का ब्लड ग्रुप ए। 2 का ब्लड ग्रुप B, तो इसलिए 2:2 लिखना है, और इनका फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो इस केस में सेम रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अ मेल
हैविंग मेल हैविंग हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस ब्लैक आईज, मेल हैविंग हेटेरोजाइगस ब्लैक आईज इज मैरिड विद अ फीमेल मैरिड विद अ फीमेल विद प्योर रिसेसिव ब्राउन आईज, प्योर रिसेसिव ब्राउन आईज, सेम फाइंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। एक मेल है जिसकी ब्लैक आईज हैं पर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और एक फीमेल है जिसकी ब्राउन आईज हैं जो प्योर रिसेसिव है। तो मतलब ब्लैक और ब्राउन में से डोमिनेंट हुआ आपका ब्लैक, तो आपको ये पता लगाना है कि उनसे जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। आपकी इच्छा है, आप एलील को किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो बी से ही कर लेते हैं, ब्लैक और ब्राउन दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। बस जो ब्लैक है हेटेरोजाइगस उसको कैपिटल बी स्मॉल बी लेना, और जो फीमेल है उसको स्मॉल बी स्मॉल बी। क्रॉस करवाओ, बताओ क्या रेशियो आएगा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। थ्री इज टू बनाया है, ये फिनोटाइप है जीनोटाइप है? गौरव सिंह का टू इज टू बनाया है ये, गौरव टू इज टू वन कैसे हो सकता बेटा? इस हिसाब से तो तुम्हारे टोटल तीन ही ऑफस्प्रिंग बन रही है चार की जगह। सेम टू इज टू वन कैसे फिनो टाइप आ रहा है तुम्हारे? मेरे समझ में नहीं आया। टू इज टू वन का मतलब तो ये हो गया तुम्हारा कि टोटल तीन ही ऑप्शन बन रहे हैं। आयुष ने जीरो टाइप कमेंट करा है, जीरो टाइप थ्री इज टू वन गलत है बेटा। अरे क्रॉस तुम्हें परफॉर्म करना है कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल बी स्मॉल बी। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, जैसे कनिका का सही जवाब आया है, इससे पहले एक और बच्चे बच्चे का आया था अनीश का, अनीश का जवाब आया था इससे पहले, वो भी सही था। टू इज टू टू ये ही फीनोटाइपिक भी है, ये ही जीनोटाइपिक भी है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर टोटल चार बच्चे होते हैं तो उनमें से दो की ब्लैक आईज हो और दो जो हैं उनकी ब्राउन आईज हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हेटेरोजाइगस मेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए, हेटेरोजाइगस मेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मेल हैविंग ब्लड ग्रुप ए इज मैरिड विद हेटेरोजाइगस, मैरिड विद हेटेरोजाइगस फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप बी, हेटेरोजाइगस फीमेल हैविंग ब्लड ग्रुप बी। तो सेम आपको जो है
जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना है। मेल हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला है, फीमेल हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाली है। रेशियो बताइए क्या आएगा। ऑल टाइप्स रेशियो क्या है? ऑल टाइप्स तो ठीक है, पर रेशियो क्या है? रेशियो में पूछा है तो उसमें ऑल टाइप थोड़े लिखेंगे, कोई तो रेशियो होगा। सारे सेम होंगे, सेम अनीश, सारे सेम तो हैं, पर रेशियो क्या आएगा? कनिका ने कमेंट किया है 1:2, 1:2, 1:1, 4 में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी, एक का एक, एक का बी और एक का ब्लड ग्रुप आएगा ओ। तो बच्चों आप लोगों को ऐसे ही 5 क्रॉस परफॉर्म करने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अपनी ओन अपनी इच्छा से। होमोजाइगस, होमोजाइगस का करवाओ, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का करवाओ, दोनों हेटेरोजाइगस ले लो, या दोनों इस तरीके से आपको 5 क्रॉस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। ये आपका होमवर्क है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही, ठीक है? और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे प्रिपेयर करके आइएगा रिवीजन के लिए, देख लीजिएगा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर आ रहा है, ठीक है? 5 मोनो